हेलो दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने पंखा जो है अंदर वाली वो रिवाइंडिंग कर दी है और बाहर वाली में हम पेपर गिरेंगे। तो आज का विषय ये है कि पेपर कैसे डालने चाहिए और कितने तरीके से हम गिर सकते हैं। और चलिए बता देते हैं हम। ये हमने पेपर काट लिया है, थोड़ा बड़ा है ये, थोड़ा कटिंग करके हमने अभी से हम इसमें लगा के देखेंगे। देखिए, पहला तरीका हमारा ये है। इस तरीके से भी जल्दी के चक्कर में हमारे कुछ मिस्त्री भाई पेपर गिर देते हैं। तो ये देखिए, आगे पीछे सरकेगा। इसमें हमारा कोयल शॉर्ट होने का डर रहेगा। पहला तरीका हमारा ये है और दूसरा तरीका हमारा इसी के साइज का हम एक पेपर और काट लेंगे। सॉरी, मैं इसी पेपर से बता देता हूँ और इसको मोड़ना कैसे है ये बताऊँगा। तो मैं मोड़ने के लिए कुछ देख लेता हूँ। देखिए, तो मैंने बताया जैसा कि पहला तरीका हमारा ये है इस तरीके से। कुछ देर के लिए हमने वीडियो रोक दी थी तो पेपर बड़ा है थोड़ा, सो एक साइड में बता देते हैं हम। जितना ये इस साइड में हमने निकाला है इतना बाहर रहना चाहिए स्टेटर से। ये देखिए, ये थोड़ा फालतू निकाला हुआ है जिससे कि हमारी कोयल बॉडी में शॉर्ट ना, स्टेटर में शॉर्ट ना हो। ये इस तरीके से पेपर गिर देते हैं तो ये आगे पीछे हमारा हिलेगा। दूसरा तरीका हमारा ये है, इसे पेपर को मोड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा पेपर बड़ा है, मग इस तरीके से ये मैंने मोड़ दिया है। अब स्टेटर में से डाल के देखेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल सही आया, हल्का सा बड़ा है। ये इस तरीके से आगे पीछे हिल रहा है, इस तरीके से नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए इसमें स्टेटर में। और अब तीसरा तरीका देखते हैं। तो इस पेपर से थोड़ा बड़ा पेपर काट लेंगे। ऐसे एक पेपर और काटेंगे। दो तरीके मैंने बता दिए, तीसरा तरीका और बता देते हैं। इसे पीछे को मोड़ेंगे हल्का सा। ऐसे, और फिर इसे नीचे को दबा देंगे। इससे ये क्या थोड़ा छोटा रहता है पेपर, हमारा आसानी से दब जाता है। बिल्कुल फिक्स दबेगा, एक बार निशान बना करके ऐसे दबा देंगे। तो देखिए, बिल्कुल फिक्स दब गया। अब इसमें हम ऐसे मोड़ेंगे, हो सकता है हमारा बड़ा हो लेकिन बाद में हम कटिंग कर लेंगे अगर बड़ा होगा तो। देखिए, पेपर हमारा बड़ा है तो इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे।
इसको देखिए, हमने मोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा। ये देखिए, आगे पीछे भी नहीं हिलेगा और बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ हमने देखिए, इसमें हुआ क्या है, इस पेपर में, इसमें स्टेटर में हमारा यहाँ मोड़ आया हुआ है इस तरीके से, ये वाला मोड़। तो ये हमने यहाँ पे पेपर मोड़ दिया है। इससे क्या होता है, जो ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे वो आसानी से हमारे ढक्कन लग जाएंगे। इस तरीके से पेपर को डालना है। अब दूसरा पेपर डाल देंगे, तो इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये हमने देखा था तो बड़ा था। आपको भी इस तरीके के पेपर लगाने हैं। स्टेटर से जितना भी हमारे स्टेटर की मोटाई हो, उससे हमें 4 साढ़े 3 सूत फालतू लेना पड़ेगा पेपर, जो ये हमने मोड़ा है। ये देखिए, इसमें आसानी से पेपर हमारे आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, ना छोटे ना बड़े और ना ही आगे पीछे हिलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पेपर अब भी गिर सकते हैं। और वीडियो को भी यहीं पे रोक देते हैं।